तो सोचो किसी चीज के लिए आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, या फिर 4-5 महीने से आप सोच रहे हो ये चीज कब होगी, और आखिरी में ये बात पता लगती है कि भाई वो चीज हो तो रही है लेकिन उस चीज में उतना ज्यादा मजा नहीं आने वाला। देखो घुमा फिरा के मैं बात ये कहना चाहता हूँ, समर स्लैम 2021 बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, मजा आने वाला है, ओ भैया धूम धमाका होगा, रोमन रेंस, जॉन सीना आमने सामने आएंगे। लेकिन अगर आखिरी टाइम पे मैं आपसे ये कहूँ कि रियली सॉरी समर स्लैम 2021 थंडर डोम के अंदर होने वाला है, तो भाई मुझे पता है आप लोग WWE को 3-4 गालियां दे डालोगे एक ही साथ में, लेकिन क्या कर सकते हैं, समर स्लैम 2021 को लेकर रिसेंटली बहुत ही बड़ी अपडेट आई है सामने कि WWE का क्या सोचना है। जब लगातार कोविड केसेस बीच में बढ़े थे तो सारी जो चीजें उसके बारे में बात होगी इस वीडियो के अंदर, बस वीडियो को देखना एकदम एंड तक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो होता क्या, आज से कुछ दिन पहले जो निवादा की गवर्नमेंट थी या फिर उस जो पूरा एरिया की स्टेट गवर्नमेंट कह लो, वो जो थी वो ये बात अनाउंस करती कि भाई जितने लोग हैं चाहे आप वैक्सीनेटेड हो या फिर नॉन वैक्सीनेटेड हो, आपको मास्क लगाने जरूरी है, आपको रोड पर या फिर कहीं भी जा रहे हो तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा, नो मैटर आपने वैक्सीनेशन करवाई है या फिर नहीं। तो चलो ये रूल तो जहां तक मैं सोचूं भाई ठीक ही था, यहां पर जो कोविड केसेस है उनको रोकने में काफी अच्छी गवर्नमेंट को मदद मिलने वाली है, और इसे जो एलिजेंट स्टेडियम के अंदर समर स्लैम होने वाला उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हर बंदा आराम से मास्क लगाकर हमें चलता हुआ नजर आएगा। और जब ये रूल अप्लाई कर दिए जाते तो उसके कुछ दिन बाद अगर आप जाकर नोटिस करोगे या फिर कोविड केसेस उस एरिया में देखोगे वो काफी ज्यादा कम हो जाते। इनफैक्ट निवादा यहां पर यानी कि कह रहे हो जहां पर एलिजेंट स्टेडियम है वहां पर एक्चुअल में केसेस नहीं ज्यादा बढ़ रहे थे, बल्कि बाकी जगह पर जो केसेस है वो ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, और ये जो पूरा एरिया था जहां पर समर स्लैम होने वाला है वहां पर उतने ज्यादा कोविड का राइज नहीं हुआ था। लेकिन भाई होता है क्या, बस आज से कुछ मिनट पहले bodyslam.net की तरफ से एक बड़ी अपडेट आती है सामने, और वो ये बात रिवील करते हैं कि अभी फिलहाल जो WWE की पूरी मैनेजमेंट है, जो WWE का पूरा स्टाफ वगैरह, वो टेंशन के अंदर है कि समर स्लैम 2021 जिसका हम लोग वेट कर रहे थे 21 अगस्त इंडिया के अंदर यानी कि 22 को होना था, ये इवेंट शायद उस तरीके से ना जा पाए जिस तरीके से WWE ने एक्चुअल में उसे प्लान किया है। उसका मतलब ये कि WWE इस चीज के बारे में भी सोच रही है कि मान लो अगर समर स्लैम 2021 इवेंट जो है जैसा हमने प्लान किया था, लाइव फैंस आएंगे, हम लोग बड़ी चीजें करेंगे, अगर वैसा नहीं हो पाया तो समर स्लैम को हम लोग थंडर डोम के अंदर कितनी जल्दी शिफ्ट कर सकते हैं या फिर अलग अलग कौन से एरिनाज होंगे जहां पर हमें जाना पड़ेगा। इनफैक्ट WWE यहां पर ये भी एक्सेप्शन लेके चल रही है, कहीं हमें परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर तो वापस एक बार फिर जाना नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमें थंडर डोम जैसा एक और गिमिक काफी जल्दी लॉन्च करना पड़ेगा आने वाले हफ्तों के अंदर, और शायद जो हम एक बार फिर से लाइव फैंस की रोड चालू कर रहे थे ऐसा तो नहीं उसके अंदर ब्लॉकेज लग जाएगा। तो ये कुछ बातें भी फिलहाल बैक स्टेज के ऊपर चल रही हैं WWE के स्टाफ मेंबर्स के बीच में, अभी से बातें डिस्कस होने लग गई हैं कि भाई अगर केसेस बढ़ जाते, चीज एक बार फिर बंद हो जाती है तो समर स्लैम 2021 हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, तो कौन सी न्यू गेमिंग हम लोग थंडर डोम की तरह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर हम लोग परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर किस तरीके से समर स्लैम करवा सकते हैं। साथ ही में एक और गुड न्यूज भी आई है सामने, देखो ये तो चलो बैड न्यूज होगी कि हाँ भाई WWE सोच रही है कहीं प्लान्स कैंसिल ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। अब गुड न्यूज ये कि जो एलिजेंट स्टेडियम है रिसेंटली वो हमें न्यू गाइडलाइंस इसको लेकर लॉन्च करता हुआ नजर आता है, जब काफी ज्यादा टेंशन बढ़ रही थी कि भाई कोविड केसेस बढ़ रहे हैं USA के अंदर, तो ऐसा तो नहीं सारी चीज एक बार फिर बंद हो जाएंगी, तो एलिजेंट स्टेडियम ये बात अनाउंस करता है, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख ही पा रहे होगी कि भैया अटेंशन जितने लोग भी एलिजेंट स्टेडियम के अंदर आने वाला टाइम है उसे अटेंड करते हुए नजर आएंगे, और स्पेशली ये जो अटेंशन वाला पूरा नोटिस है ये तब आते हैं सामने जब आप टिकट बुक करने का ट्राई करते हो समर स्लैम की। तो यहाँ पर ये बात कहते हैं भैया कि जितने भी न्यू रूल्स वगैरह आए गवर्नमेंट की तरफ से उनके हिसाब से हमने ये बात को डिसाइड किया कि जितने लोग भी इस स्टेडियम के अंदर आएंगे वो किसी भी इवेंट को अटेंड करेंगे यहाँ पर मास्क लगाना काफी ज्यादा कंपलसरी, यानी कि आपको पूरा जो इवेंट है वो मास्क लगाकर ही देखना पड़ेगा। इससे पहले जो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन था उसकी गाइडलाइन ये आई थी सामने कि भाई आपको वैक्सीनेशन का जो प्रूफ है वो हमें दिखाना पड़ेगा तब जाके आप यहाँ पर एंटर हो पाओगे, और यही वो रीजन है कि WWE की कम टिकट सेलिंग भी यहाँ पर हो रही थी। लेकिन अभी फिलहाल समर स्लैम 2021 के लिए या फिर एलिजेंट स्टेडियम के लिए वैक्सीनेशन होना कंपलसरी नहीं है, बस ये कंपलसरी है कि भाई आपको मास्क लगाना, और अभी फिलहाल ये कुछ गाइडलाइंस है जो कि जारी हुई है एलिजेंट स्टेडियम की तरफ से जब काफी ज्यादा केसेस हमें लगातार USA के अंदर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखो आखिरी जो मेरा पॉइंट है वो ये कि भैया ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, समर स्लैम 2021 प्लान्स के मुताबिक भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि भाई अचानक से ये सामने भाई WWE की जो बस है पूरी रोड के ऊपर चल रही है, रोड हो जाती खत्म, बस गिर जाती खाई के अंदर, और ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होने वाला है, ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं। देखो कोविड केसेस बढ़ते मुझे नहीं ऐसा लगता कोई भी अब जो गवर्नमेंट है वो लॉकडाउन हमें इम्पोज करने के बारे में सोचेगी, हमें पता है काफी इकोनॉमी वगैरह का नुकसान होने लगे, तो इसलिए कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो USA की हो चाइना जापान जहां मर्जी की सोच लो जहां मर्जी की गवर्नमेंट हो वो लॉकडाउन इम्पोज करे इस चीज के चांसेस काफी ज्यादा कम लगते हैं। इसलिए मैं बस यही कहूंगा भाई टेंशन
टेंशन वाली बात नहीं, शांति से सो जाओ। आई नो काफी रात वाली वीडियो में डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, आपको बता आपको क्या करना, आपको नीचे वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बस टेंशन मत लेना यार, समर स्लैम मेरे हिसाब से प्लान्स के मुताबिक ही जाने वाला है, ज्यादा हुआ टाइप बन रहा है। देखो WWE बहुत बड़ी कंपनी है और डेफिनेटली उन्हें हर चीज सोच कर चलनी पड़ती है, अगर ये नहीं हुआ तो ये कैसे होगा, अगर वो नहीं हुआ तो अगली चीज हम लोग कैसे करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि भाई आखिरी टाइम पर अगर वो चीज बाय चांस हो जाती है तो WWE के जो प्लान्स है फ्लॉप हो जाए। इसलिए विंस मैकमैन या फिर WWE या फिर कोई भी जो प्रो रेसलिंग कंपनी, कोई बड़ी कंपनी है, वो कुछ स्टेप आगे ही लेकर चलती है, कुछ प्रोबेबिलिटी बना के चलती है, अगर ये चीज होगी तो हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो इसलिए अगर WWE इस चीज के बारे में सोच रही है तो ज्यादा हुआ बनने की जरूरत नहीं है, हुआ बनाने की सॉरी जरूरत नहीं है। एंड बाय द वे ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, वीडियो पसंद आई है नीचे वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बहुत तेज बोल गया, बाकी बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ही देना, ताकि आगे आपको चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।